अगर आप खुद से अपने घर में पुट्टी करना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने 30 kg का एशियन पुट्टी है और हमने थोड़ा सा पानी ले लिया और अब इसको थोड़ा थोड़ा कर कर एक टब में भिगोएंगे माल को बनाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी इस तरह से हाथ से निकाल कर, अगर आप पहली बार पुट्टी अपने घर में करना चाहते हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस तरह से हाथ से निकाल कर माल को ना बनाएं, क्योंकि आपका हाथ कट सकता है। ये जो भैया बना रहे हैं, इनको 7 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो इनका हाथ नहीं कटेगा। यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता, जब वो पहली बार खुद से वॉल पुट्टी करना चाहते हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि वो माल कितना निकालें और किस तरह से भिगोएं। तो मैं बता दूं, मेरा 10 बाई 18 का रूम है और मैं एक रूम के लिए कम से कम 50 kg पुट्टी लेकर आया हूँ। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दीवार पर पुट्टी लगाना चाहते हैं, तो आप एक बार में पूरी पुट्टी को नहीं भिगोएंगे, क्योंकि ये पुट्टी है, हो सकता है आप काम करते करते थक जाएं। तो आपको थोड़ा थोड़ा माल बनाना है, थोड़ा थोड़ा माल बनाओगे, अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो आपका माल वेस्ट नहीं जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग इस तरह से माल को अच्छी तरह से बना लें। माल ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपको पुट्टी करने में दिक्कत होगी और ज़्यादा गीला हो जाएगा तो पुट्टी ज़मीन पर टपकने लग जाएगी। तो माल को मीडियम में बनाओ, इस तरह से बनाओ कि माल ज़्यादा पतला ना हो। अब हमारा माल बनकर रेडी हो चुका है और हम आपको चलते हैं अब दीवार में लगाकर पहला कोट दिखाते हैं। गाइज, ये वो रूम है जिसमें पुट्टी लगाना है और अभी तक कमरे की जो हालत है वो पूरी तरह से ख़राब है। तो अगर आपके पास पत्ती है और कहीं इस तरह से गिट्टी निकली हो रूम में, तो आप पत्ती से पहले पूरे रूम को एक बार स्क्रैच कर लीजिए, कहीं भी अगर दाग धब्बा हो वो छूट जाएगा। तो स्क्रैच करने के बाद पुट्टी स्टार्ट कीजिए। तो ये पहला कोट हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो कि पहला कोट करने के बाद हमारा रूम कैसे दिखता है। तो पुट्टी देख लो, कहीं से टपक नहीं रही है और ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, आराम से जो ब्रूस है वो चल जा रहा है। गाइस, लोगों को लगता है पुट्टी करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले अगर आपको पुट्टी करना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि माल को कैसे बनाते हैं। अगर आप माल बनाना सीख गए
तो हो सकता है कि आप पुट्टी करना सीख जाओ। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो मेरे पास एशियन का वॉल पुट्टी है, और अभी एक बार हमने माल बनाया था, हमारा माल ख़त्म हो गया। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेबल हो और आप कितना कर सकते हो और एक दिन में कितना माल ख़त्म कर सकते हो। तो माल बनाने का जो सही तरीका होता है वो ऐसे ही होता है कि एक छोटे से टब में थोड़ा सा पानी डालो, उसके बाद आप माल लेते रहो, पुट्टी लेते रहो बोरी से, और पुट्टी को बराबर डालते रहो। जब आपको लगे कि माल गीला है तो आप उसको माल डालते डालते अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने माल बनाना सीख लिया तो आप पुट्टी करने बड़े आराम से सीख जाओगे। तो आप ये पूरा प्रोसेस देखते रहो। तो गैज ये है फाइनल रिजल्ट। पहला कोट लगने के बाद अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। सूखने के बाद आप पहले वीडियो मेरी देख सकते हो स्टार्टिंग में कि मेरा रूम किस तरह से था, और अभी पहला कोट लगने के बाद मेरा रूम इस तरह से हो चुका है। सो गैज अभी सेकेंड कोट जो है मैं बिरला पुट्टी लेके आया हूँ, बिरला का लगवाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ दोनों मिक्स हो जाएँ, और जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए मैंने पहले 25 केजी एशियन का लगवाया और अब मैं लेके आया हूँ 20 केजी का बिरला पुट्टी। तो यहाँ पर अब दोनों मिक्स करके लगाने जा और आपको सेकेंड कोट भी दिखाएंगे कि कितना अच्छा सेकेंड कोट दिखता है। गैस पुट्टी कोई भी हो, चाहे बिरला वाइट हो चाहे एशियन ब्रांड हो, दोनों को मिक्स करने का तरीका एक ही होता है। सो गाइज ये मेरा दूसरा कोट लगना स्टार्ट हो चुका है। इसमें दो ब्रांड मिक्स कर चुका हूँ, बिरला वाइट पुट्टी प्लस एशियन कंपनी, और दोनों ब्रांड को मिक्स करने के बाद जो वॉल दिखती है सेकेंड कोट के बाद वो कैसी दिखती है, तो चलिए ले चलते हैं आपको फाइनल रिजल्ट की ओर। सो गाइज सबसे पहले वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कीजिए और सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए, वहाँ पर देखिए मेरे रूम की क्या हालत है, और अब देखो सेकेंड कोट लगने के बाद रूम कैसा दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट भी कम थी इसलिए वीडियो सही से नहीं बना, और अभी ये सेकेंड कोट पूरी तरह से सूखा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।